Hello children, good morning everyone. Everyone open your EBS textbook. Today we are going to start our chapters 8 fern. तो यहाँ आपको pictures दिखा देता होगा, उसमें बहुत सारे birds के pictures दिए हुए हैं. मैं आपको उसके बारे में explain कर रही हूँ. Okay? First, on my head I have a crest, all say I dance the best. Of my feathers I am proud, before the rain I cry aloud. तो आपको ये पिक्चर्स देखकर ही पता चल गया होगा कि ये कौन सा बर्ड है. इसके सिर पे क्रेस्ट होती, क्रेस्ट यानी यहाँ आपको दिखाई देता होगा, ये देखो फेदर्स जैसा होता है, उसको हिंदी में कलगी बोलते हैं. और वो सबसे बेस्ट डांस करता है, उसको अपने मोर पंख पे बहुत प्राउड होता है. और वह बारिश आने से पहले क्राई करता है यानी रोता रहता है. तो वो कौन है? पीकॉक. कौन है? पीकॉक. ये रहा पीकॉक. लॉन्ग एंड ग्रूड इज माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल, आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, द ब्लैंक इज व्हाट यू कॉल मी. तो ये कौन है? तो ये ईगल है. कौन है? ईगल. उसकी टेल कैसी है? लॉन्ग और ग्रूड है. ग्रूड यानी एकदम नुकीली होती है, धारदार होती है. हाई अप इन द स्काई आई सेल, सेल यानी ऊपर आकाश में ऊंचे ऊंचे तक उड़ती है. और वह कोई भी माइस को पकड़ के खा जाती है. तो वो कौन है? ईगल. ओके. अब थर्ड, माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक इज रेड, गुआवा एंड ग्रीन चिली, आई एम फैड, आई लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. उसके फेदर्स ग्रीन हैं, उसकी बीक यानी चोंच रेड है, उसको गुआवा, गुआवा यानी जामफल होते हैं ना, वह और ग्रीन चिली उसको बहुत पसंद है. और वह इंसान के जैसे बोल भी सकता है, उनकी कॉपी कर सकता है. और वह बहुत सारी आवाज़ करता है, मीठी मीठी आवाज़ करता है. तो वो कौन है? पैरट. कौन है? पैरट. ओके. अब फोर्थ नंबर, ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई कलर, क्रो क्रो आई डू ऑल डे लॉन्ग. तो उसके फेदर्स ब्लैक होते हैं, उसका कलर्स भी ब्लैक होता है, और वह पूरे दिन काव काव करता रहता है. तो वो कौन है? बंकर जी, क्राओ. कौन है वो? क्रो है. ओके. देखो यहाँ आपको